नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बेलहर थाना क्षेत्र के श्रीनगर पंचायत अंतर्गत तेरी मंझाई गांव में गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लग जाने के कारण तीन घर जलकर राख हो गया है, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उदय शंकर दास की बेटी सिमरन कुमारी सुबह सुबह चाय बनाने गई थी, तभी एकाक गैस रिसाव के कारण आग लग गया। फूस एवं मिट्टी के घर होने के कारण आग देखते ही देखते पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। वहीं गैस रिसाव होने से अकेला काफी तेज होकर आसपास के दो घरों में भी आग लग गई। गैस रिसाव के डर से स्थानीय लोग भी काफी दूर भाग गए, जिससे किसी के जानमाल की क्षति नहीं हुई है। कुछ ही देर में गैस सिलेंडर काफी जोर से विस्फोट हुई, जिसकी सीटी काफी दूर तक आकाश में उड़ी। आग लगने से उदय शंकर दास, रूपा देवी एवं तेज नारायण दास का घर जल गया। आग लगने से घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन, खाने पीने की सामग्री के साथ ही साथ पूरे शंकर दास के घर में 25,000 रुपया नगद एवं रूपा देवी के घर में 45,000 रुपया नगद भी जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग को बुझाया। वहीं आग लगी की घटना सुनकर अंचलाधिकारी नरेंद्र प्रसाद, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू एवं पूनी मनोज कुमार मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष अमरकांत ज्योति ने तीनों पीड़ित परिवार को 2,000 रुपये नगद के साथ चूड़ा, मुड़ी, दाल मोट आदि खाने की सामग्री उपलब्ध कराई है। घर में आग लगा, उस घर में गैस सिलेंडर से आग जरा, उसको घर से हमको घर में आग लगा। कौन है वो आपका? वो हमको है अथी बहन लगेगा। वो सिलेंडर गैस फट गया सर। कैसे गैस सिलेंडर फट? चूल्हा दड़ाया था चाय बनाने के लिए, बच्चा स्कूल जाने वाला था सर। तो कितने बजे की घटना है? 6 बजे लगभग सुबह में। 6 बजे तो सिलेंडर अपने आप फट गया? अपने आप फट गया सर। शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चांदन पुलिस को शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। चांदन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि अपने अन्य सहयोगी के साथ जब देवघर से आने वाली सभी गाड़ियों की जांच कर रहे थे, एक पिकअप वाहन पर शंका हुई, जिस पर सिर्फ खाली बोरा लोड था। उसका बोरा नीचे उतरवाने पर उसमें बने एक विशेष बॉक्स से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। बॉक्स गाड़ी के निचले भाग में दरवाजे में बंद विदेशी शराब की 436 बोतल, जो कुल 300 लीटर था, पुलिस ने बरामद की है। साथ ही साथ उस वाहन पर सवार दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें विनय कुमार सिंह तारापुर मुंगेर निवासी एवं गोपाल राजबार धनवाद निवासी। उन लोगों ने पूछताछ में बताया कि वह विदेशी शराब बोकारो से लेकर मुंगेर जा रहा था। पुलिस पूरे मामले में सहयोगी अन्य शराब तस्कर को भी लगातार पकड़ने का प्रयास कर रही है। सूबे की सरकार न्याय के साथ सबका विकास के मूल मंत्र के आधार पर चल रही है, लेकिन राजद के युवराज सरकार को बेवजह बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। अपराध करने वाले चाहे कोई भी हो, उसको कानून के हिसाब से सजा भी मिलती है। ये बातें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बांका जिला के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जदयू के कार्यालय में प्रेस वार्ता में कही गई। उन्होंने कहा कि पूर्व की 15 वर्षों के कुशासन को कोई नहीं भूला है, लेकिन अब परिस्थिति में बदलाव आया है, सब कुछ ठीक ढंग से कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजद को हर कीमत पर सत्ता चाहिए, लेकिन चुनाव में लोगों ने पराजित किया है, जिससे दोनों युवराज मानिक रूप से दिवालिया हो गई है, जिससे बेवजह का हो हल्ला करते रहते हैं। इन लोगों को विकास से कोई वास्ता नहीं रहा है और पिछले दिनों विधानसभा में हुए हंगामा को बिहार के इतिहास के लिए काला अध्याय बताते हुए इसके लिए पूरी तरह से विपक्ष की पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान सूबे के ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, पूर्व विधायक जनार्दन मांझी, मनीष कुमार और जिलाध्यक्ष अमृत सिंह भी मौजूद थे। राजद के जो युवराज हैं, जो पार्टी के और हमारे नेता के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको आपने लोगों ने देखा है। ये लोग जनता यहाँ 15 साल जो उनके माता पिता के शासनकाल हैं, उसको लोग यहाँ के लोग भूले नहीं, पूरे बिहार के लोग पूरे याद रखें क्या वो समय था, वो 15 वर्ष का, जो किसी तरह लोग जिंदगी अपने काटने पर मजबूर थे, क्या हो रही। हमारी सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है, एक कानून का राज है। इसमें जो हमारे जो भी कोई घटना घटती है, उसको निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है, सरकार उसको देख रही है, और निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे, पुलिस प्रशासन से छूटेंगे नहीं। और जो जो लोग आपको बोल रहे हैं, उनको विकास में कोई मतलब नहीं है। आप देखे हैं कि जो अभी सत्र जो चला है, विधानसभा सत्र, जो बजट सत्र चल रहा था, ये महत्वपूर्ण सत्र है। जो विधायक चुनाव जीत के जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में, सदन में रखते हैं, लेकिन उस पर सरकार अमल करती है, उस पर विकास करती है।
लेकिन क्या उन्होंने क्या दर्शाया है? 23 तारीख को जो 23 मार्च को जो घटना हुआ है वो बिहार के लिए काला दिन है। किस तरह से उन्होंने किया है? विपक्षी क्या चाहते हैं? वो फिर वो चाहते हैं जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो उनका राज सत्ता का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पूर्व मंत्री सहबांका विधायक राम नारायण मंडल बुधवार को ग्रामीणों से मिलने पंचवारा पहुंचे। इस दौरान वे पंचवारा के ग्रामीणों की समस्या से रूबरू हुए। मौके पर ग्रामीणों ने गर्मी के दिनों में पेयजल आपूर्ति में हो रही समस्याओं को उठाया। इस पर विधायक ने मौके पर मौजूद बाराहाट प्रखंड के PHID विभाग के जेई ज्ञान रंजन को क्षेत्र में खराब पड़े चापाकलों को सुर्ग मरम्मत एवं PHID विभाग के नल जल योजना से संबंधित अधूरे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचवारा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार से कोरोना टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से बढ़े कोरोना के मामले के मद्देनजर मास्क पहनने और सतर्कता बरतने की अपील की है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों में मास्क का भी वितरण किया। मौके पर बाराहाट के वीडियो शशि भूषण साहू, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष सुभाषा, भाजपा के वरीय नेता राजीव लोचन मिश्रा, डुलडुल सिंह, मुखिया भोला पासवान, आशीष सिंह, उज्जवल सिन्हा, सुनील सिंह, जदयू नेता रमेश मंडल, वाल्मीकि भगत, आनंद शंकर झा, सिकंदर कापरी, भूदेव मंडल, रविशंकर भगत, बालकिशोर भगत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंचवारा पंचायत के मुखिया भोला पासवान ने पंचवारा पंचायत अंतर्गत आने वाले माराटीकर, गोविंदपुर, सिरौदे सहित चीर नदी के दूसरे छोर पट बसे ग्रामीणों के आवागमन में सहूलियत के लिए पंचवारा के लोगों के सहयोग से पंचवारा बाजार के अल्पसंख्यक टोला के निकट नदी में रास्ता बनवाया। इस दौरान वही मिट्टी भरकर रास्ते को साइकिल, बाइक आदि से आने जाने लायक बना दिया, ताकि भीषण गर्मी में इन गाँव से पंचवारा बाजार प्रतिदिन आने वाले ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों, सब्जी विक्रेताओं को पंचवारा पहुंचने में सहूलियत मिल सके। इस मौके पर निरंजन यादव, डब्लू कापरी, अनिल भगत, सुरेश शाह, अमित यादव, रामचंद्र शाह, अरुण पंडित, प्रकाश भगत सहित अन्य मौजूद रहे। प्रखंड के अंतर्गत श्रीनगर पंचायत भवन में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों को प्रशिक्षण विकास कुमार के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में सतत जीविकोपार्जन योजना में बताया गया कि वैसा परिवार जो शराब या ताड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन शराबबंदी के बाद उन परिवारों का आमदनी जीवन यापन का साधन खत्म हो गया। इसके साथ ही साथ SC एवं ST समुदाय के परिवारों को भी इस योजना से जुड़ने का निर्देश दिया गया है, ताकि इस योजना से जुड़कर उन छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से परिवारों का जीवन यापन सुधर सके। ग्राम संगठन के अंतर्गत वैसी दीदियों का चयन किया जाएगा जो अत्यंत निर्धन परिवार है। परियोजना द्वारा मिलने वाले लाभ ग्राम संगठन के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि उस परिवार का व्यवसाय के माध्यम से जीवन यापन सुधर सके। इस बैठक में सुभाष प्रजापति, मंजर हसन, राजीव, संगीता देवी, संतोष शाह, MRP सदानंद पंडित एवं समस्त श्रीनगर पंचायत के जीविका दीदी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।